आइए अब हम देखते हैं हिपेटिक सेगमेंट्स क्या होता है। ये हिपेटिक सेगमेंट्स, ठीक है। सो ये जो हिपेटिक सेगमेंट्स होते हैं, ये बेसिकली इसका स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। दिस आर द स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ लिवर, ठीक है, द स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ लिवर, ठीक है। तो हिपेटिक सेगमेंट्स जो होते हैं, दे आर द स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ लिवर, कितने होते हैं, दे आर 18 नंबर, ठीक है, 8 यूनिट्स होगा, हम लोग अभी देखेंगे। तो यहाँ पे जो इसका डिवीजन होता है, ये कैसे होता है, ये समझना आपको ज़रूरी है। ओके, नाउ मैं इसको एक डायग्राम के एक्सप्लेन थ्रू हेल्प करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये जो सेपरेशन हुआ है, ये फिजियोलॉजिकल लोब, ठीक है, ये जो हम लोगों ने अभी फिजियोलॉजिकल लोब डिस्कस किया था, ये लोब इसके बेसिस में करते हैं। तो फिजियोलॉजिकल लोब का जो ये राइट फिजियोलॉजिकल लोब है एंड लेफ्ट फिजियोलॉजिकल लोब है, मैं पी लिख देता हूँ, ठीक है, फिजियोलॉजिकल राइट लोब एंड फिजियोलॉजिकल लेफ्ट लोब, ये दोनों के दोनों लोब्स जो है ये डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो नाउ यहाँ देखिए, ये राइट फिजियोलॉजिकल लोब डिवाइड हुआ है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट में, क्लियर। राइट फिजियोलॉजिकल लोब जो है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट में, और लेफ्ट फिजियोलॉजिकल लोब जो है वो डिवाइड हुआ है मीडियल एंड लैटरल पार्ट में, ठीक है। राइट वाला जो फिजियोलॉजिकल लोब है, ये डिवाइड हुआ है एंटीरियर और पोस्टीरियर में, और लेफ्ट वाला जो है ये डिवाइड हुआ है लैटरल और मीडियल में। अब जो पार्ट डिवाइड हुए हैं, चार पार्ट जो डिवाइड हुआ है, ये फिर से बीच से डिवाइड हो जाते हैं, ये देखिए, बीच से एक लाइन ने इसको फिर से डिवाइड कर दिया और इसको 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो आप देख सकते हो, वी हैव 8 इक्वली सर्जिकल रिसेक्टेबल हिपेटिक सेगमेंट्स, है ना, अलग सेगमेंट्स निकले हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो वेन आपको दिखाई दे रहा है ना, हिपेटिक वेन, इस हिपेटिक वेन के जो ये आपको ट्रिब्यूटरीज देख रहा है, आपको दिख सकता है कि ये जो सेगमेंट्स है, ये वेन जो पास हो रहा है, ये इंटर सेगमेंटल होता है। इसका मतलब है एक से ज़्यादा सेगमेंट को ड्रेन करेगा हमारा ये वेन। ऐसा नहीं है कि वेन जो है, मतलब एक बॉक्स, ये जो आपको लोब दिखाई दे रहा है, छोटा सा सेगमेंट दिखाई दे रहा है, इस एक ही सेगमेंट को ड्रेन कर रहा है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वेन क्योंकि इंटर सेगमेंटल होता है, सेगमेंट के बीच में पास हो रहा है, इसीलिए ये जो वेन है, ये एक से ज़्यादा लोब्स को, मतलब एक से ज़्यादा सेगमेंट को ड्रेन करेगा, ठीक है। तो लिवर के सरफेस में अगर हम लोग ठीक से देखें, तो एंटीरियर और पोस्टीरियर में जो सेपरेशन हुआ है, उसका कोई ऐसा आइडेंटिफाई, मतलब डिमार्केशन है नहीं जो आप आइडेंटिफाई कर सकोगे, है ना। लेकिन ये जो लेफ्ट वाला जो पार्ट है, इसमें आप देख सकते हो कि जो लिगामेंटम टीरीज होता है, ठीक है, फिशर फॉर लिगामेंटम टीरीज, और जो लिगामेंटम विनोसम होता है, वो बेसिकली एक जंक्शन की तरह मार्क करता है ये मिडल और लेटरल सेगमेंट्स में। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मिडल और लेटरल के ये बीच में हमारा लिगामेंटम टीरीज एंड लिगामेंटम विनोसम के फिशर्स हैं, लेकिन यहाँ पे आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो, क्लियर ना। इसके हिसाब से ये जो सेपरेट हुआ है, नॉमिनक्लेचर जो दिया है, वो दिया किसने दिया है, उनका नाम है कुनेट, राइट। सो अकॉर्डिंग टू द नॉमिनक्लेचर ऑफ कुनेट सेगमेंट, है ना, कुनेट ने जो नोमेनक्लेचर दिया था, उसके हिसाब से जो ये लेफ्ट वाला जो पार्ट है, लेफ्ट हेमी लिवर जो है, उसमें आपको चार हेमी लिवर दिखाई दे रहा है, राइट, चार सेगमेंट, वी हैव द 1, 2, 3 एंड 4, और राइट में आपको 5, 6, 7 एंड 8 दिखाई दे रहा है। तो इस नोमेनक्लेचर, कुनेट के नोमेनक्लेचर के हिसाब से, सेगमेंट 1 से लेके सेगमेंट 4, 1, 2, 3, 4 जो है, ये लेफ्ट लोब में होता है, है ना, और इसको सप्लाई करते हैं लेफ्ट हिपेटिक आर्टरी, लेफ्ट ब्रांच ऑफ द पोर्टल वेन, एंड इज ड्रेन्ड बाय द लेफ्ट हिपेटिक डक्ट। इसके लिए सब कुछ लेफ्ट ही करेगा। और जो सेगमेंट 5, 6, 7, 8 होता है, इसको सप्लाई करता है राइट हिपेटिक आर्टरी, राइट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन, एंड इज ड्रेन्ड बाय द राइट हिपेटिक डक्ट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1, 2, 3, 4 जो है, इट इज supplied by the left branch of the hepatic artery, left branch of the portal vein, and is drained by the left hepatic duct. और जो right में segment दिखाई दे रहा है आपको 5, 6, 7, 8 है, उसको supply करता है right hepatic artery, right branch of the portal vein, and is drained by the right hepatic duct. ये आपको अच्छे से clear होना चाहिए, ठीक है। So this is the hepatic segments. आई होप ये हिपेटिक सेगमेंट्स का डायग्राम आपको क्लियर हो। आप डायग्राम प्रैक्टिस कीजिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये डायग्राम मैंने विश्राम सिंह से ड्रॉ किया है।
ओके आइए अब देख लेते हैं इसके लिगामेंट्स, लिवर में जो लिगामेंट्स मौजूद है वो कौन कौन से लिगामेंट्स हैं। तो लिगामेंट्स जो होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के लिगामेंट्स होंगे, एक लिगामेंट जो है वो थ्रू लिगामेंट होता है, दूसरा जो है वो फॉल्स लिगामेंट है, राइट। इसमें देख सकते हैं हम लोग लिगामेंट्स जो है, दे आर टू टाइप्स ऑफ लिगामेंट, वी हैव द फॉल्स लिगामेंट एंड द थ्रू लिगामेंट। फॉल्स लिगामेंट जो होता है वो बेसिकली पेरिटोनियल के ही फोल्ड्स होते हैं, है ना। तो कौन कौन से लिगामेंट होते हैं, वी हैव द फैल्सिफॉर्म लिगामेंट, आइए मैं आपको एक डायग्राम में दिखाता हूँ। ये देखिए, दिस इज द फैल्सिफॉर्म लिगामेंट, राइट। ये फैल्सिफॉर्म लिगामेंट क्या करेगा, ये लीवर का जो ये डायफ्राग्मेटिक सर्फेस है, राइट, इसको डायफ्राम के साथ कनेक्ट करेगा। मतलब ये जो फैल्सिफॉर्म लिगामेंट है, इट इज़ कनेक्टिंग द लीवर टू द डायफ्राम, है ना। ये फैल्सिफॉर्म लिगामेंट का यही काम है। दूसरा जो लिगामेंट है वो है हमारा कोरोनरी लिगामेंट, राइट। ये कोरोनरी लिगामेंट जो है, आप इसको पोस्टीरियर में देख सकते हो। देखिए, पोस्टीरियर व्यू अगर हम देखेंगे तो आपको ये जो ट्रायंगुलर लिगामेंट दिखाई दे रहा है, राइट। ये एक ट्रायंगुलर लिगामेंट है जो अगेन बेयर एरिया ऑफ द, ये जो लीवर है, ये जो एरिया है इसको बेयर एरिया ऑफ द लीवर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये बेयर एरिया ऑफ द लीवर को अगेन डायफ्राम के साथ कनेक्ट करा के रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया कोरोनरी लिगामेंट। नेक्स्ट वी हैव द राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट। आप देख सकते हो राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट यहाँ पे मौजूद है, राइट। इट इज एनक्लोजिंग द एपेक्स ऑफ द बेयर लिवर, है ना। ये देख सकते हो आप लोग एपेक्स, ये पूरा बेयर एरिया है, उसका एपेक्स को ये एनक्लोज करके रखा है। उसके बाद है वी हैव द लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट। ये ट्रायंगुलर एक बहुत ही छोटा, इट इज अ वेरी वेरी स्मॉल ट्रायंगुलर फोल्ड ऑफ, बहुत ही छोटा फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम है, जो कि लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर को डायफ्राम के साथ कनेक्ट करा के रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो वी हैव द लेसर ओमेंटम। लेसर ओमेंटम क्या है, ये आपने पेरिटोनियम वाले टॉपिक में पढ़ा है। इसका अटैचमेंट देखने के लिए प्लीज़ मेरे ग्रेटर ओमेंटम एंड लेसर ओमेंटम का जो लेक्चर है उसको एक बार देखिएगा। तो ये लेसर ओमेंटम जो है, मैं इसमें भी बता देता हूँ कि इट इज़ अ फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम जो कि लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक, याद है आपको, अगर ये स्टमक है तो स्टमक का जो ये लेसर कर्वेचर है इसको लीवर के साथ कनेक्ट करा के रखे थे, राइट। तो लेसर ओमेंटम जो है, इट इज़ अ फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम जो कि लेसर ओमेंटम, लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक और ड्यूडेनम का जो ये प्रॉक्सिमल 2.5 सेंटीमीटर होता है, इसको लीवर के विसरल सरफेस में कनेक्ट कराते हैं। तो हम लोगों ने उसमें पढ़ा था कि ये एक इन्वर्टेड एल शेप में होता है, इन्वर्टेड एल शेप में इसका इंसर्शन होता है। तो अगर इन्वर्टेड एल शेप देखोगे तो ये दिखने में थोड़ा जे जैसा लग रहा है सामने से देखोगे तो पीछे से अगर हम देखेंगे तो आपको ये इसी तरह से दिखाई देगा, राइट। तो इसका जो अटैचमेंट होता है ये एक जे शेप में होता है, जिसमें ये जो आपको वर्टिकल लिम्ब दिखाई दे रहा है, ये वर्टिकल लिम्ब होता है लिगामेंटम विनोसम के मार्जिन के लिए, और जो आपको ये हॉरिजॉन्टल लिम्ब दिखाई दे रहा है ये पोर्टा हिपैटिस के लिप्स में जाके अटैच है, राइट। तो ये पांच लिगामेंट्स आपको पढ़ने होंगे फॉल्स लिगामेंट में। वी हैव द फैल्सिफॉर्म लिगामेंट, कोरोनरी लिगामेंट, ट्रायंगुलर, राइट ट्रायंगुलर, लेफ्ट ट्रायंगुलर एंड द लेसर ओमेंटम, क्लियर। उसके बाद है वी हैव द थ्रू लिगामेंट्स। थ्रू लिगामेंट्स क्या क्या होते हैं, वी हैव द लिगामेंटम टीरिस हेपैटिस। ये लिगामेंटम टीरिस हेपैटिस बेसिकली ऑब्लिटरेटेड लेफ्ट अम्बिलिकल वेन का पार्ट है, ठीक है, लेफ्ट अम्बिलिकल वेन, ठीक है। जब ये ऑब्लिटरेट हो जाता है तो इसको हम लोग लिगामेंटम टीरिस हेपैटिस बोलते हैं, इसको याद रखना है। लिगामेंटम टीरिस हेपैटिस इज अ रेमनेंट ऑफ द ऑब्लिटरेटेड लेफ्ट अम्बिलिकल वेन, ठीक है। और लिगामेंटम विनोसम, ये लिगामेंटम विनोसम क्या है, ये डक्टस विनोसस का रेमनेंट पार्ट है, यह आप लोगों ने फीटल सर्कुलेशन में सुना होगा, ठीक है। फीटल सर्कुलेशन, इसका भी मैं एक लेक्चर बनाऊंगा बाद में, उसमें भी मैं आपको इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। सो दिस आर द लिगामेंट्स जो आपको पता होना चाहिए, द फॉल्स लिगामेंट्स जो कि पेरिटोनियल फोल्ड्स होते हैं, वी हैव द फैल्सिफॉर्म लिगामेंट, कोरोनरी लिगामेंट्स, राइट ट्रायंगुलर, लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट एंड द लेसर ओमेंटम, जो कि लिवर को बाकी स्ट्रक्चर्स के साथ अटैच कराने में मदद करते हैं। और थ्रू लिगामेंट्स जो है वो है लिगामेंटम टीरिस हेपैटिस जो कि लेफ्ट अम्बिलिकल वेन का ऑब्लिटरेटेड पार्ट है, और लिगामेंटम विनोसम जो है वो डक्टस विनोसस का ऑब्लिटरेटेड पार्ट है। नाउ इसका अगर हम लोग रिलेशन देखें, ठीक है, तो रिलेशन जो है हम लोग पेरिटोनियम का भी रिलेशन देखेंगे और विसरल रिलेशन भी देखेंगे। तो पेरिटोनियम का जो रिलेशन है, हमें पता है कि हमारा जो लिवर है इट इज़ कवर्ड बाय पेरिटोनियम, है ना, ये पूरा पेरिटोनियम से ही कवर्ड रहता है, ये पूरा पेरिटोनियम से कवर्ड रहता है, कवर्ड बाय
पेरिटोनियम, लेकिन इसमें कुछ कुछ जगह है लिवर में, कुछ कुछ ऐसे स्पेस है जहाँ पे पेरिटोनियम कवर नहीं होता है। ठीक है, तो कौन कौन सा एरिया है जहाँ पे लिवर लिवर में पेरिटोनियम कनेक्ट नहीं होता है? सबसे पहला है द बेयर एरिया ऑफ द लिवर, कौन सा है? ये वाला, दिस इज द बेयर एरिया ऑफ द लिवर। ठीक है, तो ये बेयर एरिया ऑफ द लिवर जो है यहाँ पे आपको पेरिटोनियम नहीं दिखाई देगा। ठीक है, दूसरा जो है वो है हमारा फोसाफोर गॉल ब्लैडर, ये जो गॉल ब्लैडर है, ऑब्वियसली बात है जब पेरिटोनियम इससे गुजर रहा था तो ये फोसा मतलब गॉल ब्लैडर यहाँ पे प्रेजेंट था, तो पेरिटोनियम इसके ऊपर से चला गया, तो जो फोसा है उसमें पेरिटोनियम रह गया है, तो फोसा फॉर गॉल ब्लैडर में भी हमारा पेरिटोनियम नहीं होता है। फिर ये जो आईवीसी इन्फीरियर वीना केवा जो है इसके ऊपर से भी चला गया था, इसीलिए इसके ग्रूव जो है, इसका जो इन्फीरियर वीना केवा का जो ग्रूव है उसमें भी आपको पेरिटोनियम नहीं दिखाई देगा। नेक्स्ट ग्रूव फॉर द लिगामेंटम विनोसम, आप देख सकते हो ये लिगामेंटम विनोसम का जो ये ग्रूव है या फिशर है इसमें भी आपको नहीं दिखाई देगा पेरिटोनियम। और लास्टली द पोर्टा हिपेटिस, ठीक है, ये पोर्टा हिपेटिस, तो इन पांच जगह में आपको पेरिटोनियम नहीं दिखाई देगा। बाकी हम कहते हैं कि लिवर इज कवर्ड बाय पेरिटोनियम, लेकिन ये पांच जगह में नहीं दिखाई देगा। कौन कौन से है एक और बार देखते हैं, द बेयर एरिया, ग्रूव फॉर द फोसा ऑफ गॉल ब्लैडर, उसके बाद ग्रूव फॉर आईवीसी, ग्रूव फॉर द लिगामेंटम वेनोसम एंड देन द पोर्टा हिपेटिस। इन पांच एरिया से, मतलब पांच एरिया में पेरिटोनियम नहीं होता है, बाकी सब जगह पे लिवर जो है पेरिटोनियम से कवर्ड रहता है। तो ये तो हो गया पेरिटोनियल रिलेशन, आइए हम देखते हैं इसका विसरल रिलेशन। ना विसरल रिलेशन जो है वो बहुत इजी है। देखिए एंटीरियर सरफेस जो है वो हमें अच्छे से पता ही है कि ये ज़िफोइड प्रोसेस ऑफ द स्टर्नम एंड एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ रिलेशन में रहेगा, है ना। एंटीरियर वॉल जो है, एंटीरियर सरफेस जो है, इट इज रिलेटेड टू द ज़िफोइड प्रोसेस एंड द एब्डोमिनल, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। पोस्टीरियर सरफेस अगर हम लोग देखेंगे तो ये ट्रायंगुलर है, उसका रिलेशन ये है ना, पोस्टीरियर सरफेस नीचे वाला नहीं है ऊपर वाला, तो पोस्टीरियर में अगर आप देखोगे तो देखिए बेयर एरिया ऑफ द लिवर के साथ रिलेशन में है, है ना, द बेयर एरिया जो कि डायफ्राम के साथ रिलेटेड है। उसके बाद ग्रूव फॉर आईवीसी, आपको ये आईवीसी का भी ग्रूव दिखाई देगा। उसके बाद डायफ्राम का जो क्रूरा होता है वो भी इसके रिलेशन में है, और ये फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोसम, ये सारे स्ट्रक्चर्स इसके पोस्टीरियर सरफेस के साथ रिलेशन में है। ओके, सुपीरियर सरफेस के साथ देखोगे तो हमें पता ही है कि डायफ्राम यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पे हार्ट भी होगा, सो इसमें आपको एक कार्डियक इंप्रेशन दिखाई देता है, राइट। सो सुपीरियर रिलेशन में वी हैव द कार्डियक इंप्रेशन एंड द डायफ्राम। इन्फीरियर रिलेशन में अगर हम देखेंगे तो गैस्ट्रिक इंप्रेशन होता है यहाँ पे, ये जो एरिया है यहाँ पे गैस्ट्रिक इंप्रेशन होगा। उसके बाद वी हैव द लिगामेंटम टीरीस का जो ये फिशर है, फिर गॉल ब्लैडर का जो ये फोसा है, और ये जो एरिया है यहाँ पे कॉलिक इंप्रेशन होता है, राइट। मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू दिखाता हूँ, ये देखिए ये एक विसरल रिलेशन का डायग्राम है। नाउ ये जो पूरा एरिया है इसमें हमारा गैस्ट्रिक इंप्रेशन होता है, ये इन्फीरियर सरफेस का रिलेशन है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो दिस इज द गैस्ट्रिक इंप्रेशन, गैस्ट्रिक इंप्रेशन, और ये जो पोर्टा हिपेटिस के ऊपर जो है यहाँ पे आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो कि एलिवेटेड रहता है, ठीक है। तो ये लिगामेंटम, ये जो फिशर है ये किसका है, ये लिगामेंटम विनोसम का फिशर है। तो लिगामेंटम विनोसम में आपको पता है कि ओमेंटम, हमारा लेसर ओमेंटम यहाँ पे अटैच रहता है, इसीलिए क्योंकि ये लेसर ओमेंटम के साइट में अटैचमेंट है और यहाँ पे एक एलिवेटेड एरिया है, इसीलिए इसका नाम ट्यूबर ओमेंटल रखा गया है या फिर ओमेंटल ट्यूबरोसिटी, ठीक है, इसको याद रखिएगा ओमेंटल ट्यूबरोसिटी। ये कभी कभी वाइवा में पूछ लेते हैं कि इसका नाम ट्यूबर ओमेंटल क्यों पड़ा। ओके ओके, सो गैस्ट्रिक इंप्रेशन के साइड में आप देखोगे तो वी हैव द लिगामेंटम टीरीस, है ना, फिशर फॉर लिगामेंटम टीरीस आपको दिखाई दे रहा है। फिर जाएंगे तो देखिए ये गैस्ट्रिक इंप्रेशन है, तो ये पूरा जो हमारा एरिया है स्टमक का एरिया है, तो स्टमक का जो पाइलोरस पार्ट है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो पाइलोरस के बाद स्टमक का क्या आता है, अगर ये स्टमक है तो हमें पता ही है कि ये स्टमक का पाइलोरिक एंड है, पाइलोरस के बाद क्या आएगा, डुडेनम, तो ये पाइलोरस है, आई मीन यस, ये पूरा पाइलोरस ऑफ द स्टमक है और इसके बाद आएगा डुडेनम, है ना, ये देखो डुडेनल इंप्रेशन। और उसके बाद आपको पता ही है यहाँ पे हमारा लार्ज इंटेस्टाइन इस तरह से क्रॉस करता है, तो ये कॉलिक इंप्रेशन भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो ये डायग्राम आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको पूरा समझ आ जाएगा। वी हैव द राइट रीनल इंप्रेशन, मतलब किडनी, और किडनी के ऊपर क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड होता है, तो वी हैव द राइट सुप्रा रीनल ग्लैंड, है ना, उसका इंप्रेशन भी आपको यहाँ दिखाई देगा। तो ये एक इन्फीरियर रिलेशन का डायग्राम है, इसको थोड़ा अच्छे से देखिएगा। ओके ऑलराइट, आइए अब देखते हैं लिवर का ब्लड सप्लाई। नाउ लिवर जो है ये एक बहुत ही हाईली वास्कुलर ऑर्गन है, राइट, इट इज़ अ वेरी हाई, इसमें लिख देता हूँ मैं,
इट इज़ हाईली वास्कुलर ऑर्गन, है ना, इसमें ब्लड बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, और इसका जो ब्लड होता है ये बेसिकली ड्यूअल ब्लड सप्लाई है, इसमें ब्लड जो है दो जगह से आएगा, दो सोर्सेज से। तो 20% ऑफ ब्लड जो है ये रिसीव करता है हिपैटिक आर्टरी से, ओके, 20% ऑफ ब्लड इज रिसीव थ्रू द हिपैटिक आर्टरी, और 80% ऑफ ब्लड जो है ये पोर्टा हिपैटिस से, आई मीन द पोर्टल वे, ठीक है। 20% ऑफ ब्लड जो है इसको हिपैटिक आर्टरी के थ्रू मिलता है, और 80% जो है पोर्टल वेन से आता है। नाउ हमें पता है कि पोर्टल वेन हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक से जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट्स, लिपिड्स, जो भी है, इन सब को लेके लिवर के पास जाते हैं। तो न्यूट्रिशन से फिल्ड हुआ ब्लड हमारे लिवर को मिलता है थ्रू द पोर्टल वेन, ओके। सो दिस इज अबाउट द ब्लड सप्लाई। इसको याद रखना है कि इट हैज़ टू ड्यूअल सप्लाई, टू सोर्सेज से मिलता है, 20% फ्रॉम द हिपैटिक आर्टरी एंड 80% फ्रॉम द पोर्टल वेन। इसके जो ये तो आर्टेरियल सप्लाई होगा, जो वीनस होता है ये क्या होता है, ये बेसिकली सिनोसॉइड से ड्रेन होता है। सो हिपैटिक सिनोसॉइड होता है इनमें, ये सारे हिपैटिक सिनोसॉइड क्या करेगा, ये ड्रेन करते हैं हमारे इंटरलोबुलर वेन्स को, ठीक है। हिपैटिक सिनोसॉइड्स जो है हमारे इंटरलोबुलर वेन्स को ड्रेन करेंगे, ये इंटरलोबुलर वेन्स जो है मिल जाएंगे और बना देगा सब लोबुलर वेन्स, है ना। बाद में यही सब लोबुलर्स जो है, ये बहुत सारे सब लोबुलर्स मिल जाएंगे, मतलब ये बहुत सारे इंटरलोबुलर वेन्स मिलके सब लोबुलर वेन बनाएगा, और ये सब लोबुलर वेन मिलके हमारा हिपैटिक वेन्स बनाएंगे जो कि अल्टीमेटली IVC में ड्रेन करेगा। क्लियर? आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। नर्व सप्लाई सिंपल देखते हैं, द नर्व सप्लाई, ये पैरासिंपेथेटिक एंड सिंपेथेटिक दोनों फाइबर से सप्लाई होता है, ठीक है। इसमें पैरासिंपेथेटिक भी है और सिंपेथेटिक फाइबर से भी इसको सप्लाई होगा। सिंपेथेटिक फाइबर्स कहाँ से आता है? सीलिएक फाइबर्स से, जो इसके सीलिएक फाइबर्स होते हैं वहाँ से इसको सिंपेथेटिक फाइबर्स मिलेगा। और पैरासिंपेथेटिक कहाँ से मिलता है? बेसिकली इसको वेगस से मिलेगा, ठीक है। लेकिन वेगस में भी कहाँ से? द हिपैटिक ब्रांच ऑफ एंटीरियर वेगल ट्रंक, ठीक है। सिंपेथेटिक जो होता है ये सीलिएक फाइबर्स से इसको सिंपेथेटिक नर्व सप्लाई मिलेगा, और पैरासिंपेथेटिक जो है वो वेगस से मिलता है, लेकिन एंटीरियर वेगल ट्रंक से मिलेगा, द हिपैटिक ब्रांच ऑफ द एंटीरियर वेगल ट्रंक। क्लियर? सो यहाँ हम लोग ने शुरुआत में बोल दिया कि फंक्शन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, लिवर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ फंक्शन। तो आइए देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या क्या होते हैं। सबसे पहला, सबको पता ही है, ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। सो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, राइट, फैट्स एंड प्रोटीन्स, इसमें ये हेल्प करेगा, राइट। तो ये पहला फंक्शन हो गया मेटाबॉलिज्म का। दूसरा है, ये क्या करता है, ये बाइल पिगमेंट्स है ना, तो बाइल का भी सिंथेसिस करेगा, बाइल सिंथेसिस इसमें भी हेल्प करता है, और प्रोथ्रोम्बिन भी सिंथेसिस करता है, राइट। तो पहला हो गया मेटाबॉलिज्म, दूसरा हो गया सिंथेसिस, तीसरा होता है एक्सक्रीशन, है ना। तीसरा फंक्शन इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है एक्सक्रीशन। किस चीज़ का एक्सक्रीशन? ड्रग्स हो गया, या फिर टॉक्सिन्स हो गया, पॉइजन, है ना, फिर बाइल से कोलेस्ट्रॉल बनता है, सो कोलेस्ट्रॉल का एक्सक्रीशन, कोलेस्ट्रॉल, हैवी मेटल्स इन सब का ये एक्सक्रीशन कराएगा, है ना। चौथा जो फंक्शन है, ये प्रोटेक्शन भी कराता है ना, प्रोटेक्टिव बाय कंजुगेशन, राइट, कंजुगेट करके प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। डिस्ट्रक्शन कराता है ये, है ना, फेगोसाइटोसिस होता है इसमें, डिस्ट्रक्शन होता है। पांचवा जो है स्टोरेज ऑफ फैट्स बहुत सारे होते हैं, आयरन, ग्लाइकोजन, विटामिन ए एंड डी, राइट। तो इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है? मेटाबॉलिज्म, सिंथेसिस, एक्सक्रीशन, प्रोटेक्शन एंड स्टोरेज।
ये पांच इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। ओके, आइए इसका थोड़ा सा क्लिनिकल देखते हैं। क्लिनिकल, सबसे पहले क्लिनिकल जो होता है हमें पता ही है कि हेपेटिस है ना। हेपेटिस क्या होता है? हेपेटिस मीन्स द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर। ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर यहाँ पे होता है। इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर को हम लोग हेपेटाइटिस बोलते हैं। दूसरा जो है पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकता है ना। पोर्टल हाइपरटेंशन, पोर्टल हाइपरटेंशन किस वजह से होता है? बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मैक्सिमम जो होता है वो या अल्कोहल के वजह से जो लिवर सिरोसिस हो जाता है उसकी वजह से भी पोर्टल हाइपरटेंशन होता है। ये जो हम लोग सिरोसिस बोलते हैं ये है क्या वैसे? बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं सिरोसिस क्या होता है। नाउ सेल्स के लिवर के अंदर जो सेल्स होते हैं जिनको हम लोग हिपेटोसाइट्स बोलते हैं, ये हिपेटोसाइट्स कभी कभी इंजर्ड होने की वजह से या डेथ होने की वजह से नेक्रोस हो सकते हैं। इट में अंडरगो नेक्रोसिस है ना। तो ये नेक्रोसिस हो जाए कैसे? मतलब हिपोटेसिस में अगर डेथ हुआ या इंजरी हो गया किसकी वजह से? कहीं इन्फेक्शन हो गया या टॉक्सिन्स पॉइजन उसकी वजह से हो, अल्कोहल है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न, अल्कोहल जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से या कोई इन्फेक्शन हो गया या टॉक्सिन्स की वजह से जब हिपेटोसाइट्स नेक्रोसिस होना शुरू हो जाता है या डेथ होना शुरू हो जाता है, तो ये जो डेथ हिपेटोसाइट्स होता है मतलब ये जो खराब हिपेटोसाइट्स है अब इसको रिप्लेस किया जाता है। तो इसको कौन रिप्लेस करता है? तो डेथ हिपेटोसाइट्स जो है रिप्लेस्ड बाय फाइबरस टिश्यू। ठीक है, जब ये डेथ हो जाएगा तो इसको रिप्लेस करा देते हैं कौन? फाइबरस टिश्यू। राइट, नाउ ये जो फाइब्रस टिश्यू इसको रिप्लेस कराता है, तो हमने शुरुआत में ही पढ़ा था कि लिवर इज़ ए वेरी सॉफ्ट एंड फ्राइबल ऑर्गन, आई मीन ग्लैंड। तो जब इसको फाइब्रस टिश्यू रिप्लेस करा देता है तो जो लिवर है वो बेसिकली श्रिंक होना शुरू हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम लोग सिरोसिस ऑफ लिवर बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाता है? बाइल का जो फ्लो है उसमें भी ऑब्स्ट्रक्शन होना शुरू होगा है ना। बाइल फ्लो ऑब्स्ट्रक्टेड, उसकी वजह से कॉमनली यहाँ पे जॉन्डिस होता रहता है। दिस इज वन ऑफ द कॉज ऑफ जॉन्डिस। ठीक है, तो आपको इसको पता होना चाहिए। राइट, ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट लिवर। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन फील फ्री टू पुट इन द कमेंट बॉक्स एंड वी विल ट्राई टू डिस्कस इट टुगेदर। थैंक यू।